तुमने गिराया पानी? भैया देखा नहीं था, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उर्मी गिर जाती, उसे कुछ हो जाता, तुम्हारी माफी से ठीक हो जाती वो। भैया अब कभी नहीं होगा, इस बार माफ कर दो। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें। हजार उठक बैठक करेंगे आप। कान पकड़कर चलिए, शुरू हो जाइए। सम्राट जी जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हम ठीक हैं। आप ठीक हैं इसलिए इतनी कम सजा दी है मैंने इसे। आपको जरा सभी कुछ हो जाता ना, भैंस की। आप तो कम से कम गलत का पक्ष मत लीजिए। मैंने इसे सजा दी ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। दोबारा ऐसी गलती ना करे, कोने में जाके खड़े हो जाओ। अब बिना सोचे शुरू हो जाओ। आप ठीक है ना? आइए बैक टू पार्टी, आइए पापा, एंजॉय कीजिए। चलिए 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 बैक टू पार्टी एवरीवन, प्लीज आइए पापा, आइए आइए। दादी जी आपने गर्मा गर्म समोसे खाए नहीं खाए? स्पेशल कुक बुलवाया मैंने सिपरी बाजार से। अभी तो नहीं खाया, खाए लेंगे। हमने खाए, बहुत अच्छे। अरे तुमने तो खाए, लेकिन दादी जी से पूछा खाए नहीं खाए? मैं अभी मंगवाता हूँ आपके लिए। कहाँ है बेटर? कोई है क्या? कहाँ गया भाई, मर गया? इधर आओ, फटाफट गर्मा गर्म समोसे जल्दी लेके आओ, अब भी आ रहे हैं। चलिए सबके सब दिवाकर भैया आइए ना, चलिए। मम्मी जी कैसा लगा सब अरेंजमेंट? बढ़िया है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। बुआ जी आपकी गिली किसी नहीं मिल रही आजकल मुझे। दामाद जी तबीयत ठीक नहीं है ना हमारी, जुकाम हुआ हुआ है, कहीं आपको इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए किसी बंद रखी है। मैं इंतजार करूंगा। पापा आइसक्रीम खाई नहीं खाई आपने? स्पेशली मंगवाई आपके लिए लाइट चॉइस है, खाई नहीं खाई? और ये सब होता रहता है आप। हाँ खाएंगे भाई, जरूर खाएंगे। अरे ऐसे कैसे खाएंगे, हम खिलाएंगे आपको आइसक्रीम। आइए आइए, इधर आइए भाई, बैठिए, आइए सबके साथ चलिए। अरे अनुष्का तुम भी तो खा गई आइसक्रीम, तुम्हारी फेवरेट है। जी अभी मंगवाता हूँ मैं, अभी लो। कहाँ है भाई? ए म्यूजिक म्यूजिक चलाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सोच सोच कर तो हमारे अंदर ही अंदर दम घुटा जा रहा था कि भगवान हमारी बिटिया के साथ, हमारी गुड़िया के साथ ऐसा कैसे कर सकते। देखो सब सही हो गया, कितनी बड़ी मुश्किल से निजात मिल गई, अब चैन है। चलो बेटी का घर सही सलामत है। और सरोज तुमने देखा कितनी केयर कर रहे थे सम्राट जी उर्मी की, और हम सबसे भी कितने अच्छे से मिले, कितनी शालीनता से व्यवहार किया, और गौरव गौरव के साथ इतनी बात बहस होने के बावजूद भी कैसे खुले दिल से स्वागत किया उसका भी। अब बताओ, बोलो कि हम अम्मा गलत कह रहे थे, बोलो। देखो सरोज
समय समय की बात होती है, हर आदमी अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। और फिर बच्चा, बच्चा बहुत बड़ी चीज होता है। और देख लेना, मेरा भरोसा है कि जो आने वाला बच्चा सम्राट जी को सुधार देगा, वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। हमारी बेटी का भी हंसता खेलता परिवार होगा, देख लेना तुम। जिस तरह का व्यवहार आज उन्होंने मुक्ति के साथ किया है, उसे देखकर हमें लगता है कि सम्राट जी कभी नहीं बदलेंगे, उनके भीतर की निर्दयता कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वही उनकी खुराक है। बहुत खुश है ना आप? और क्या, इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए? बाप बनने वाला हूं, और एक बात जान लो, देख लेना बेटा होगा, देख लेना बेटा होगा, देख लेना बेटा होगा। I'm sure. और ऐसा खतरनाक टाइप नाम रखूंगा ना मैं उसका, कि नाम सुनते लोगों की पैंट गीली हो जाएगी। मलखान सिंह, जरनैल सिंह, सुल्तान सिंह, बंदूक सिंह, ठाए सब डेंजरस वाला नाम रखूंगा मैं उसका। हे भगवान, ऐसे नाम? लेकिन बच्चे को खतरनाक क्यों बनाना चाहते हैं? सम्राट सिंह राठौड़ शेर है तो उसका बेटा क्या होगा? सवा शेर। नहीं तो लगेगा कैसे कि पीढ़ी का विकास हुआ है? हा? अच्छा, विकास दिखाने का ये तरीका है गलत दिशा में जाकर। बच्चे को खतरनाक नहीं बनाकर प्यारा भी तो बनाया जा सकता है ना। प्यारा मर्द चाहिए मुझे, आधा औरत आधा मर्द नहीं, पूरा मर्द मेरी तरह। और अब आप भी एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, अब आप यूं ही पहले की तरह बिना बताए मायके नहीं जा सकती हैं। क्योंकि अब आप अकेली नहीं है, आपके साथ मेरे परिवार का वारिस है, समझ रही हैं आप? अब आपका अपने ऊपर अधिकार नहीं है, अब आप कहीं ना कहीं मेरे और मेरे परिवार के अधिकार क्षेत्र में आ गई हैं। और इस बात को ध्यान से सुन लीजिए आप, अब आपको अपना दुगना ख्याल रखना होगा, पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, और इसके लिए आपको इसी घर में रहना है। इतने में आप समझ गई होंगी मेरा कंसर्न, समझ गई ना? बच्चे की हिफाजत सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वोपरि। बस अब आप यूं ही पहले की तरह बिना बताए मायके नहीं जा सकती हैं, आपके साथ मेरे परिवार का वारिस है, देख लेना बेटा होगा, देख लेना बेटा होगा। दीदी ने एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म दिया है। इस
इसमें इतनी चहकने वाली कौन सी बात है? मुसीबत ही तो पैदा हुई है। लड़का होता तो कुछ समझ में आता, समाज में कुछ रुतबा बनता, परिवार का नाम आगे बढ़ाता। लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। नहीं, लड़कियां सिर्फ परिवार की नाक कटवा सकती हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कल जितने बर्तन निकाले थे ना, पहुंच पहुंच के वहीं वापस रख दो। चलो जाओ, लेके जाओ। तो खेलते रहोगे यहाँ वहाँ चित्रा चित्रा के। हाँ माँ जी, जे सारे बर्तन हमारे मायके से आए थे ना। हाँ, तभी तो इतने बेकार हैं, एक भी नहीं है टिकाऊ प्रजाति का। हेलो हेलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो हेलो, कौन? उर्मी बोल रही है ना जी? आप कौन बोल रही हैं? हम अदिति बोल रहे हैं भाभी। दीदी कैसी हो आप? दीदी हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? अच्छे हैं भाभी। अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू दीदी। बुरा ना मानो तो हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। भैया ये कभी नहीं चाहेंगे, पर फिर भी हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, सिर्फ अपनी ननद भाभी के रिश्ते की हैसियत से। मिलना तो हम भी आपसे चाहते हैं, पर हमें पता है आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आप कोशिश करके अगर आ सकेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम अभी MG रोड के ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, अगर हो सके और आप आ सके तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आ गए तुम अपना मुंह दिखाने? दीदी हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर आ सके तो जरूर आएंगे। अभी फोन रखते हैं, सब आ गए यहाँ पे। हमसे गलती हुई थी तो चार चप्पल मार लेते भैया, हम कछु नहीं कहते। ऐसी सजा दी कि रात भर सो नहीं पाए, सुबह उठे तो मुझसे चला नहीं जा रहा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बैठ जाओ तो खड़े ना हो पाओ, खड़े हो जाओ तो बैठ ना पाओ, दिशा मैदान जाना तक मुश्किल हो गया है। हाँ तो अब समझ में आ गया है ना, तो ध्यान से काम किया करो। पानी कहाँ गिराया था तुमने? ऐसा मत कहो शशि, उसे बेचारे को पहले ही खूब सजा मिल चुकी है, अब और कुछ मत सुनाओ। अब पापा जी ये नौकरी हमसे ना होगी, हम जा रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ जाओ। लेकिन बकाया पगार नहीं मिलेगी, इतने शॉर्ट नोटिस में छोड़ के जा रहे हो, ऐसे ही होता है उसमें। जाओ बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो ऐसे आउट, बाहर निकालो उसको। भैया जी हमारे तो अभी 3 महीने की तनख्वाह बकाया। मुक्ति भैया, कल रात आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, आप इस तरह से नहीं जा सकते। नहीं छोटी बहू, अब हमसे यहाँ काम नहीं हो पाएगा। अरे नाटक देखो इसके, इस घर की बहू मालकिन माफी मांग रही है, इसको देखो। सही है मुक्ति, उर्मी तो देवर जी तक से माफी नहीं मांगती, तुमसे कह रही है तो तुम्हें भाव चढ़ रहा है क्या? अच्छा बता, आज तक किसी ने तुमसे माफी मांगी है? भैया आइंदा से आपके साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं।
आप प्लीज मत जाइए। ठीक है। एक काम कीजिए, अंदर जाकर आराम कीजिए, आज काम हम संभाल लेंगे। वेरी गुड बहू, सही किया तुमने। अब बहू, किसका फोन आया था? माँ जी, आदिति दीदी का फोन था, वो हमसे मिलना चाहती हैं, आज हमें मिलने के लिए बुला रही हैं। अच्छा, तो जाओ बहू, मिल ले उससे, अच्छा लगेगा बेचारे को, वैसे भी अपने परिवार से दूर है, है? एक आध आदमी उससे मिलने जाएगा ना, तो अपने लोगों का एहसास होगा उसे। वैसे भी बेचारे का मायके से रिश्ता टूट गया है, जे टेंशन रहती है उसके दिमाग में। जाओ तुम जाके उससे मिल लो, और घर के काम की तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। है जी माँ जी। हेलो उर्मी। हाँ त्रिशा, बोलो। तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं तो, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बोलो। समझ ही नहीं आ रहा कैसे बात करूं तुमसे। क्या हुआ त्रिशा, कुछ हुआ है क्या? मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से कुछ दिनों से। कुछ दिनों से परेशान हो? तुम हमको साफ साफ बताओगी बात क्या है? त्रिशा बोलो। एक लड़का है, कहता है मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा मैडम, तो आखिर आपका भी सामना हो ही गया इन सब चीजों से। पर त्रिशा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वो मुझे बहुत परेशान करने लगा है, एकदम से जैसे पीछे ही पड़ गया, और अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे डील करूं। डील करने के बारे में तुम बाद में सोचना, पहले तुम हमको एक बात बताओ। क्या तुम उसे पसंद करती हो? समझ में नहीं आ रहा उर्मी, उसकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं और कुछ बातें अजीब सी, कभी गड़बड़ लगता है और कभी अच्छा। इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम एक बार उससे मिल लो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे तो मिल लेते हैं ना त्रिशा। तुम जब बोलो, और वैसे भी उससे तो मिलना पड़ेगा ही, जिसने हमारी त्रिशा डार्लिंग को इतनी उलझन में डाल दिया। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक मीटिंग फिक्स करती हूँ। ठीक है? ठीक है त्रिशा, जल्दी मीटिंग फिक्स करो। ओके बाय। हाँ भाभी, हम बाहर आ गए हैं भाभी। कैसी हैं आप दीदी? अच्छे हैं हम। ये लीजिए, माँ जी ने मुंह मीठा करने के लिए खास आपके लिए मिठाइयाँ भेजी है। बहुत बहुत बधाई हो भाभी। थैंक यू दीदी। हमें बहुत खुशी हो रही है जो आप हमसे मिलने आई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारा बस चले तो हम रोज रोज आपसे मिलने आए। हम सबकी खुशनसीबी है भाभी जो सम्राट भैया की शादी आपसे हुई।
से भावनाओं और रिश्तों की इतनी कद्र है, क्योंकि सम्राट भैया के लिए ये सब बातें कोई मायने ही नहीं रखती। उनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं आप, जो अनजान लोगों के लिए भी कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। ऐसी इंसानियत किसमें है आजकल? भाभी, हो सके तो एक काम और कर दो, सम्राट भैया को अपने जैसा बना दो। दीदी, अब हमें जाना होगा, हम फिर आएंगे आपसे मिलने। इतनी जल्दी? अभी अभी तो आई हैं आप, अभी बैठ के बातें भी कहाँ की हमने आपसे। करेंगे दीदी, लेकिन आज नहीं। आज हम अचानक से ऐसे चले आए, और फिर कभी जब हम आएंगे तो घंटों बैठकर बातें करेंगे। अभी सम्राट जी को भी पता नहीं है, अगर उन्हें पता चल गया तो। हमारे हस्बैंड बस आ ही रहे होंगे, उनसे तो मिलती जाइए। अच्छा, लीजिए, आ गए वो। अच्छा है तो आज अपने घर के दामाद से भी मुलाकात हो जाएगी हमारी। हम भी तो अपने नंदोई जी से मिले।